हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टार एक्स मैक्सिम। तो आगे जो मैं क्लिप दिखाने वाला हूँ आपको, वो मैंने वो रिपीट की नहीं है, सिर्फ काट कट की गई है। अब और सारी बकचोदी इस बंदे ने फेली है। यो जोगिंदर थारा भाई जो यो जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर थारा बोल थारा भाई जोगिंदर जी। अरे यो जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर नहीं नहीं ये बंदा पूरा हिला हुआ मानसिक संतुलन से पैदल है। और मैं बता दूं गाइस, ये लगता है एकदम चुतिया गया है। अबे भोसड़ी के सीने पे क्या पिट रहा है, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, हार्ट अटैक आ जाएगा। तो फिर साले जब डॉक्टर के पास भी जाएगा ना, तो डॉक्टर कहेगा जा भोसड़ी के पिट ले, गांड पिट ले, नंड पिट ले, सीना पिट ले, भोसड़ी के फिर मेरे पास आइयो। और गाइस, ये लगता है कभी भी अपनी कमाई का नहीं खाया है, ना अपने कभी बाप का खाया है, नहीं तो भोसड़ी का ऐसा नहीं बोलता। जब भी खाया है तब हराम का ही खाया है। कहीं नंगे उड़े जा करके, कहीं गाड़ियाँ उड़े जा करके, ये हर जगह से जा करके ना राशन खत्म कर देता है। हराम का खा करके इतना बड़ा हुआ है, भोसड़ी का सीना पीटा है, मर भी जाएगा तो क्या फायदा इस हराम जिंदगी का है कि नहीं भोसड़ी के। और नानी के घर जाने के बाद ददेउरे इधर उधर जाने के बाद फिर आया है मामा। मामा को भी नहीं छोड़ेगा ये, मामा की भी गांड मारेगा। चलो देखते कैसे मारता है मादरचोद, फिर हम इसकी मारेंगे। नहीं नहीं अब तुम लोग सोच रहे होगे कि कोई मामा का हराम का कैसे खा सकता है। लेकिन हराम का तो नहीं, जितना हिस्सा मिला भाई, जितना प्लेट में आए उतना ही खाना चाहिए ना। ये बंदा भोसड़ी वाला कुछ ऐसा है, जो नहीं मिलेगा वो भी खाएंगे, सब कुछ राशन खा जाएंगे और बिना बिना साने आटा खा जाएंगे ये वो। अरे भोसड़ी का ये ऐसी प्रजाति का बंदा है जो कि तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ने वाला। चलो आप आगे खुद देखो। मेरे मामा का फोन आ रहा है पिछले एक महीने से। अरे भांजे घूम जा। जो जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर कल ही आ रहा है मामा ना धोके। और मामा एक बात याद रखिए, तुम्हें इतना तंग कर दूंगा। जो जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर थारे घर में इतना राशन खा लेगा, मामी ने सोची ना होगी। हाँ भाई, जब हम बोल रहे थे तब तो हम चूतिया थे, रोस्टर चूतिया हैं, साले गलत गलत बोलते हैं, ये वो बोलते रहते हैं। अब पता चला ये भोसड़ी का, इसीलिए मैं इसको कहता हूँ ये हराम की जिंदगी लेके बैठा है भोसड़ी का। जिधर उधर जाता है उधर का राशन खत्म करते हैं। इसे कभी भी अपने घर भीख मांगने के लिए भी मत बुलाना, क्योंकि आज मांगने वाला है भीख, ये भीख ही मांगेगा। मुझे जहाँ तक लगता है हम लोगों के मन में थोड़ी मोड़ी सी वो जगी है। साला कई दिन से यूट्यूब पे वो नहीं, कंटेंट नहीं मिल रहा था, वीडियो नहीं बनाने का मिल रहा था, कोई मिल गया है, कोई मिल गया। अब तो इस भोसड़ी वाले की जब तक गंगा जमुना नहीं निकल जाती, तब तक भोसड़ी वाले को हम छोड़ते रहेंगे मादरचोद के बच्चे को। अब लेकिन जब हम बोल रहे थे कि ये हराम की जिंदगी लेके बैठा है, तब तो तुम यकीन नहीं कर रहे होगे। अब देख लिया ना, अब समझ में आ गया ना ये भोसड़ी कितना छूती आदमी है। हाँ तो गाइस, इसकी देखो रोस्टर पे कुछ बंदे रोस्ट किए थे इसको, और फिर इसका रिप्लाई देखो। अब फिर मेरा रिप्लाई देखना। हिला दूंगा मामला हिला दूंगा। चल भोसड़ी के बेटे, तू सब मामला हिला, हम तेरे मुंह पे हिलाएंगे। चूती है भोसड़ी के, रोस्ट होने के बाद हर एक बंदा यही कहता है, हिला दूंगा, इधर हिला दूंगा, उधर हिला दूंगा भोसड़ी के। सॉरी, अभी रोस्टिंग नहीं, क्योंकि अभी तुम लोग को वीडियो दिखाना है। छपरे यूट्यूबर्स, कान खोल के सुन लियो। गाइस थोड़ा साइड हटा, तो तेरी माँ की चौदह भोसड़ी के छपरी किसको बोला रे भोसड़ी वाले? अबे प्यार से रोस्टर कहते हमको, समझ में आई बात? प्यार से रोस्टर बोलो, तुम्हारे अब्बा जी हैं, और तुम्हारे चूतर पे ना गरम करके डंडा हम ही डालेंगे। तो बेटा जोगिंदर, अब बताओ कि तुम्हें इससे क्या सीख मिलती है? यही कि तुम अपने अब्बा से थोड़ा तमीज से बात करो। भूकंप आएगा, भूकंप, बवंडर ला दूंगा, बवंडर आज। जो पहले तो भोसड़ी के थोड़ा गला संभाल ले, वरना गला वाला फट गया तो बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। और भोसड़ी के बवंडर तो तेरी जिंदगी में आ गया है, हर एक बंदा तेरे को रोस्ट करना चाहता है। और भोसड़ी के हम लोग तेरी ऐसे मारेंगे ना कि 12 के भाव में चांद दिखेंगे, समझ में आई बात? और भोसड़ी के ये क्या तू चिल्लाता रहता है बे मादरचोद? और
तुझे मैं बता दूं, तेरी जिंदगी में भवंडर ही भवंडर है। जिधर देखेगा उधर भवंडर, सपने में भवंडर, जब सर लेटरिन में हगेगा तब भवंडर, इतने भवंडर आ जाएंगे भोसड़ी के भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। और जो मैंने लाइन बोली थी ना, साले तेरे को तो राशन भी नहीं देंगे, एक दाना भी नहीं देंगे भोसड़ी के, समझ भाई बात। हेलो गाइस, आज की इस वीडियो का एंड यहीं पर करते हैं। इस भोसड़ी वाले को रोस्ट करने में इतना मजा आया ना आज कि क्या ही बताएं। अब तुम लोग लाइक मारो, लाइक नहीं मारो ना तुम यार, लाइक मारो प्लीज यार, प्लीज कर दो ना यार। माइक थोड़ा थोड़ा बंद हो जाता है यार, उससे तुम डिसलाइक थोड़ी ना करोगे यार, गजब बेइज्जती है। माइक चूतिया है भोसड़ी का, कभी कभी बंद हो जाता है। होममेड वाला है वो, होममेड वाले एयरफोन नहीं बनाने वाले होते चूतिए, भोसड़ी के मुंह में आधा किलो थूक लेके बोलते रहते हैं, उन्हीं से देख के बनाया है। अब तुम लोग भी जाओ ट्राई करो और लाइक मारो। और ट्रेगर इंसान ने भी सही कहा, इस इन काले अंगूरों को ना कॉपीराइट स्ट्राइक मारने में बड़ा मजा आता है, तो फेयर यूज के बारे में जरूर से पढ़ लेना। आशिकों में दिल का मुझे जीना मत सिखा, घूमे ले लंड मुझे छोड़ना मत सिखा, टूटा मेरा दिल उसे जोड़ना मत सिखा, घूमे ले लंड मुझे छोड़ना मत सिखा, तेरे लिए मैंने मेरा घर दार छोड़ा, देर के साथ किया मैंने जीरा सोडा, जैसे मटके में पानी बता थोड़ा थोड़ा, तुझा ऐसा घोड़ा आता पकड़ मजा लौड़ा, मेरे प्यारे दिल को तूने दगा दिया, मेरे सोए लड़ को तूने जगा दिया, तेरी यादों में दिन भर कितना हिलाओ, कितने सारे दोस्तों को मैं दारू पिलाओ, जी कर दा मेरे दोस्तों से मिलाओ, उन सबसे चुरा के तुम्हें पानी पिलाओ, तेरे ताए में मुझे दिखने लगा भूत, तेरी मक्की छूट भाई बड़ी मजबूत, डाले गन्ना निकले जूस, तूने ना करके मेरे उड़ गए होश, तुझे सब चौदे मेरे कॉटन के दोस्त मेरे।